धनबाद के शहरी क्षेत्र में धड़ल्ले से अवैध बालू का खेल चल रहा है। जिला खनन टास्क फोर्स पूरी तरह निष्क्रिय नजर आ रही है। कोयलांचल में एनजीटी की रोक के बाद भी बालू का अवैध खनन और परिवहन का काम धड़ल्ले से चल रहा है। यह सभी बालू बेजरा घाट से आ रहा था। जिले के शहरी इलाके में बालू खनन पर रोक के बाद भी अवैध बालू का कारोबार हो रहा है। सीबी शाखा की रिपोर्ट में इसका उल्लेख किया गया है। इसमें बागमारा से लेकर पंचायत तक के कई सफेदपोश लोगों के नाम भी शामिल हैं। देखिए धनबाद से रिपोर्टर राजकुमार की पड़ताल। अगले 15 अक्टूबर तक एनजीटी ने बालू खनन पर रोक लगा रखी है। उसके बावजूद कोयलांचल धनबाद में जो इसके शहरी क्षेत्र है वहां पर सभी जगहों पर अवैध तरीके से बालू देखे जा सकते हैं, बालू का परिवहन देखा जा सकता है और रास्ते में पुलिस वाले किस तरह से बालू माफियाओं से और बालू का परिवहन करने वाले वाहनों से पैसे लेते हैं उसे भी देखा जा सकता है। बड़ी बात यह है कि जब रोक लगी हुई है और सिर्फ स्टॉक का ही बालू उठाव करना है तो फिर किस परिस्थितियों में नदियों से बालू का उठाव किया जा रहा है और वैसे में एनजीटी के रोक को प्रभावी तरीके से लागू करने में जिले के जो खनन पदाधिकारी हैं, जिले के जो स्थानीय पुलिस के पदाधिकारी हैं, जो स्थानीय सीओ हैं, वो क्यों नहीं गंभीर है, यह एक बड़ा प्रश्न है। पूरे मामले में हम जिले के जो खनन से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं, इंस्पेक्टर हैं, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि इन मामले में वो क्यों संजीदा नहीं है। देखिए, इस विषय में हम लोग ने पिछले दिनों भी काफ़ी कार्रवाई की है। हाइवा, ट्रैक्टर, 407 तीनों पर हम लोग कार्रवाई किए हैं और आगे भी हम लोग को इस तरह का सूचना अगर मिल रही है तो निश्चित रूप से इस पर हम लोग टीम गठित करके कठोर कार्रवाई करेंगे। एनजीटी की रोक कब तक है? 15 अक्टूबर तक। तो अभी तो कार्रवाई चलती रहेगी जो लोग अवैध तरीके से लाएंगे? 15 अक्टूबर तक है, उस समय तक भी कार्रवाई चलती रहेगी। उसके बाद भी अगर बिना चालान के वैध घाट से नहीं अगर परिवहन किया जाएगा, बिना परिवहन चालान के परिवहन किया जाएगा तो उस पर भी सख्त कार्रवाई करते जाएंगे हम लोग और कार्रवाई चलती रहेगी। कई क्षेत्रों में अवैध तरीके से स्टॉक बना के रखा गया है यहाँ पे, इस विषय को हम लोग गंभीरता से देखते हैं और आगे जो भी होगा। धनबाद में न्यूज बाइस्कोप पर चलाए गए खबर का असर हुआ है। पिछले 3 दिनों से लगातार हो रहे बारिश ने धनबाद की सड़कों को तालाब में तब्दील कर दिया है। सबसे खराब हालात धैया रानी बांध मुख्य सड़क पर जलजमाव की है। हमारे खबर चलाने के बाद उपायुक्त वरुण रंजन ने संज्ञान लिया है लोगों को हो रही परेशानियों पर। धनबाद उपायुक्त ने कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि लगातार हो रही बारिश की वजह से सड़क निर्माण कार्य में समस्या आ रही है। जलजमाव की परेशानियों से निपटने को लेकर नगर आयुक्त की देखरेख में टीम का गठन कर दिया गया है, जिनके द्वारा लगातार मोटर लगाकर पानी की निकासी भी करवाई जा रही है और युद्ध स्तर पर सड़क निर्माण का कार्य शुरू किया गया है। पर लगातार हो रही बारिश की वजह से सिविल वर्क करने में परेशानी हो रही है। बहुत जल्द आम लोगों को हो रही इस परेशानी से निजात मिल जाएगा। वहाँ पे तो कंटिन्यूअसली हम लोग काम लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन मौसम जो है सो हम लोगों का साथ नहीं दे रहा है। कंटिन्यूअसली विगत 15-20 दिनों से हमेशा बारिश हो जा रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि जब भी किसी तरह का कोई सिविल वर्क किया जाता है तो एक ड्राई वेदर का रिक्वायरमेंट होता है। तो हम लोग की टीम जो है वो तो कंटिन्यूअसली काम कर रही है और हम लोग उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में जैसे ही वेदर एक बार थोड़ा जो है सो ठीक होता है तो हम लोग उसको वर्कआउट करेंगे। बाकी उसका एक परमानेंट सॉल्यूशन निकालने के लिए कि पानी की निकासी वगैरह कैसे होगी, क्योंकि अभी रोड वगैरह तो बना दिया जा रहा है लेकिन अगर पानी जमा रहेगा। स्टूडेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।